अच्छा, पिछले बार आपने बंधन बैंक की बात की थी। बंधन बैंक स्टेबल रहा है उस दिन से। क्या तैयारी कर रहा है बड़े ब्रेकआउट की, और एफएनओ में कोई और स्टॉक जो आपको पसंद आ रहा हो? ये तो क्या है ना कि अब बाजार का रंग देखिए ऐसा है। कोटक के रिजल्ट खराब नहीं थे, कोटक को दे मारा। बंधन बैंक के रिजल्ट खराब थे, तो ये जो प्री पोजिशनिंग का जो कंसेप्ट आपने बनाया ना अनुज, कभी अगर टेक्निकल एनालिसिस की किताब लिखी मैंने जीवन में, तो मैं उस पर एक चैप्टर आपके इस प्री पोजिशनिंग के कंसेप्ट पे डिवोट जरूर करूंगा। ऑलरेडी इतना घट करके जब पैटर्न तैयार था और यहां ला करके जो उसके खराब रिजल्ट आए, उसके बाद ये जो 98.5 लाख शेयर्स का जो ब्लॉक ट्रेड हो गया उस दिन, इस स्टॉक ने यहां से पक्का ट्रेंड रिवर्सल दे दिया। जब तक समझ लीजिए 212 के नीचे नहीं जाता है, हमें यहां से 100 रुपए की तेजी लगती है इस रिस्पेक्ट ऑफ निफ्टी। अब जो बिल्कुल अंडर परफॉर्मर स्टॉक्स रह गए, चाहे कॉर्पोरेट अंडर परफॉर्मेंस की वजह से, चाहे स्टॉक की वजह से, मैं आपको अगली चार्ट दिखाऊं, जैसे इंडिया सीमेंट की। तो अगर ये स्टॉक बाकी लास्ट 1.5 महीने की तेजी में करेक्शन ही देता गया, चला भी बड़े लेट से, तो मुझे लगता है ये 450-500 रुपए जाने की जो साइकिल स्टॉक की स्टार्ट हो गई थी 165 से, अब उसके अंदर में एक अगला पड़ाव वापस शुरू हो रहा है कि 200 वाला 280 सब हो जाए। आज इसने एक नया ब्रेकआउट दे दिया। तो सिलेक्टिवली कुछ स्टॉक्स तो हमेशा ही एफएनओ में भी रहेंगे जो बिल्कुल अंडर परफॉर्मर्स थे, वो जो चल जाएंगे। तो इंडिया सीमेंट्स और बंधन बैंक दो ढंग के लॉन्ग लगते हैं, पर बहुत बड़ी संख्या में सामने एफएनओ में, चाहे आप टाटा स्टील बेच दो, हिंडाल्को बेच दो, आप वेदांता को शॉर्ट कर दो, मतलब मेटल शॉर्ट है, आईटी चल नहीं रहा है, केमिकल साइडवेज है, ये मारुति टेलको सब बड़े करेक्शन की तैयारी कर चुके हैं। तो जितने भी जो सो कॉल्ड ग्लैमर स्टॉक्स जिनको लेने का मन करता है वो करेक्शन में चले गए, और जिन्हें आपका लेने का मन नहीं करता, इंडिया सीमेंट या बंधन बैंक, वो चलेंगे। तो बाजार की मर्जी है, वो जैसे चलेगा, ट्रेडर्स को उसके हिसाब से चलना पड़ेगा।